Okay, perfect. I'm very excited about tonight's awards. I think it's an amazing thing that we're able to honor and award influencers who are in the social media space, changing the game, and you know, providing a platform for the younger generation and people who have access to be able to learn about beauty. You know, हम देख रहे हैं हमारा 100% occupancy के साथ में theater भी right now open है. So Shivani जी की तरफ से हम क्या कुछ देखेंगे आपको next, like singing या music video, क्या कुछ देखेंगे हम आपको next, क्या कुछ करते हैं? Actually, I'm now going to be a producer. So I will be producing my first show very soon. मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन किस तरह का होगा? Fiction, web show. Brand के बारे में कुछ कहना चाहिए? Parkos, उसके बारे में कितनी excited होती हैं आप? Yeah, it's nice to be able to come together on a night like this. And beauty is such a big part of our lives. It's such a big part of this business. It's such a massive business in India. So to be able to recognize influencers and brands and come together and have a platform to celebrate this is great. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. First of all, Parkos team ko बहुत मुबारक हो for doing that first ever beauty influencer awards, and I think ये इससे हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया कितनी बदल गई है और ख़ास तौर से पिछले 2 सालों की वजह से इन्फ्लुएंसर्स इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं हमारी डेली लाइफ में और पब्लिक के लिए भी इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए उनको पता चलता है द ट्रेंड्स, व्हाट्स हैपनिंग, products that are great. So I think they have a very important role to play. और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पे हूँ. I'm performing tonight, so I'm really looking forward to that. Yeah, so I'm looking. आपको बताऊँ मैं? Well, definitely some of the new ones. I love singing Dua Lipa, Levitating, but I love Dubey as well. So I'm going to be singing a mix of Hindi and English. So I think बहुत मजा आने वाला है. इसके अलावा क्या कुछ हम देखेंगे next Sophie जी को? Yes, definitely कुछ देखेंगे. I think इस ईद पे शायद सलमान खान नहीं आ रहे हैं तो शायद सोफी आ जाए। और ऐसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका करे क्योंकि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में सिनेमा भी चालू हो चुका है। जी, I'm so happy to see movies are back. I think ये वक्त बहुत ही मुश्किल रहा है सबके लिए and बहुत अच्छा लग रहा है फिल्में चल रही हैं. गंगू बाई का रिस्पांस, ऑफ कोर्स द कश्मीर फाइल्स का इंक्रेडिबल रिस्पांस. तो बहुत होप है सबको. जो लग रहा था कि अब लोग सिर्फ घर पे ही बैठ के पिक्चर देखेंगे, अब सबको एहसास हो रहा है कि हमने थिएटर्स को बहुत मिस किया है. तो आई रियली होप द बिजनेस ग्रोज वेरी वेल. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मोर सॉन्ग्स नाउ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. माइक हटाना तेरा थैंक यू। बताइए कि ये बहुत ही ब्लैक ब्यूटी जैसा लग रहा है लाइन का, बताइए कितनी एक्साइटेड होती हैं आप जब इस तरह से लोग आपको ब्यूटी तो हमारे सामने ही खड़ी है, इन्फ्लुएंसर अवार्ड का इस तरह से अवार्ड मिलता है। सही है, मुझे जो मिला एग्जाम्पलरी beauty influencer brand. So I own a brand called Nish Hair. It's human hair extensions. So for that I have received this award. जो beauty influencer जिनके खुद की brands हैं. So उनके लिए मुझे award मिला. तो अब जो मेरा बालों का जो business है मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगी. I will take it more forward and it gives me more encouragement. So thanks to Parkos Beauty. ये बिजनेस तो इन दिनों बहुत ही अच्छा भी चल रहा है, तो हम ऐसा माने कि जुहू, बैंड्रा, लोअर परेल, टाउन, हर जगह आपकी ब्रांच दिखने वाली है। नो, बट मैं इसे ऑनलाइन ही रखना चाहती हूँ, दैट्स माय मेन एम, बिकॉज डिजिटल इज़ द किंग। आई एम बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, आई एम बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ देयर ऑनलाइन, सो इट विल ऑलवेज बी ऑनलाइन, बट नेवर से नेवर, मे बी आई विल हैव अ स्टैंड अलोन स्टोर, मे बी आई विल हैव इट इन पैलेडियम हियर। बिल्कुल, बट कहीं एक लोकेशन पर शॉप होता है तो यू नो उसका एक अलग ही फीलिंग आती है। वही तो ना, वक्त बदल गया, अब सब ऑनलाइन ही लेते हैं ना चीज़ें। सो इसके अलावा क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट? मैंने एक शो किया है दोनाली, जो कि बहुत ही अच्छी कास्ट है। अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं कल ही फिनिश करके आ रही हूँ वो शो, एंड इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग जो आपने मुझे देखा है। सो नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो प्रिपेयर मैनी मोर क्वेश्चंस फॉर मी, ओके? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जो आपने सोचा ही नहीं, मैं नहीं बता सकती ना। दोनाली नाम है, अब दोनाली से आप सोच लीजिए, इट्स अ गन, दोनाली। यस, कल शूट खत्म हुआ है, इट्स ऑल्सो समर खान्स प्रोडक्शन, अपलॉज इज प्रोड्यूसिंग है। ऑडियंस कुछ कहेंगे आपकी तरफ से? मैं ये कहूँगी पार्कोस ब्यूटी को थैंक्स, बिकॉज उन्होंने क्रिएट किया एक प्लेटफॉर्म ऐसा जिसमें इन्फ्लुएंसर्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए सराहना मिल रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। थोड़ा सा शॉर्ट्स ले लेंगे। आइए पारुल जी, काफ़ी टाइम के बाद एटलीस्ट मैं इस तरह का अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, और एक्साइटमेंट तो है। ये काफ़ी अच्छी 2-2.5 साल से, अब ये आंसर में काफ़ी क्लीशे हो चुका है, हर कोई यही बोलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने साल ऐसे लग रहा है, इतने टाइम बाद पैंडमिक के बाद बाहर आ रहे हैं, बट हाँ वाई नॉट। और एक खास रीज़न की वजह से मैं यहाँ हूँ, एंड आई होप hope when I come out I will get it. चलिए तो डिफरेंट करते हैं 10वीं पार्टनर आप जी जी अमेजिंग जी टॉप के किरदार में हम आपको देख रहे हैं ट्रेलर में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपका. थैंक यू. बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस विद 10वीं अभिषेक बच्चन है आपकी बहुत सारी जी निमृत भी हैं उन फिल्म में. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला अगेन बहुत कम टाइम में और जो फिल्म को अपने आप ऑर्गेनिकली अच्छा ऐसा रिस्पांस मिलता है, प्यार मिलता है, लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते वेट कर रहे हैं आपकी फिल्म कब आएगी और एक्साइटिंग लग रही है, मज़ेदार लग रही है, फन लग रही है, कुछ सीखने सिखाने को भी है पर मज़ेदार है. एंड ऑफकोर्स मेरे लिए तो एक अलग बिल्कुल अलग किरदार है जिसमें beautiful से ज़्यादा I think it's more important to look apt, it's more important to make you believe that yes I can play that tough Haryani cop and I think आपको फिल्म देख के मज़ा आएगा. ऐसा माने कि ऐसे किरदार आप करने वाले यानी कि पिछला हमने जो आपका किरदार देखा इसे नैना थर्सडे पीएम जी से मुलाकात की नाउ अभी हम आपको हमने कि ऐसे किरदार में हम देखने वाले हैं यानी कि देखिए ऐसा है राजा बाबू देखिए आपने गोविंदा जी का कैरेक्टर याद है वो ऐसा ऐसे दीवार पे अलग अलग प्रोफेशंस का बस मेरी दीवार पे वही होने वाला है. नहीं मैं बहुत जस्ट ट्राइंग टू बी लिटिल लाइटर बट हाँ मतलब मज़ा तभी है ना जब अलग अलग आप किरदार प्ले करें, अलग कहानियाँ हैं और मैं मेहनत करूँ आपको लगे कि हाँ ऐसा नहीं कि हर फिल्म में आप रेपिटेटिव लग रहा है, कुछ नया होना चाहिए और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वाई नॉट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जो मुझे आप आगे भी देखेंगे वो आज की मॉडर्न जो वुमेन है, मॉडर्न लड़की है, आई रिप्रेजेंट देम इन सम वे और दी अदर. तो देखते हैं. थैंक यू सो मच. और अदिति कैमरा में डायरेक्टली मैं अंदर जा रहा हूं. अरे अभी कर